लगाने से पहले सरकार छोटे छोटे फिटनेस सेंटर एवं जिम पर भी ध्यान दे। मेरा नाम मलिक इसरार है और मैं भोपाल फिटनेस हेडक्वार्टर जिम से हूँ। मेरा नाम मामला ये है कि जैसा कि कल हम लोगों को आदेश प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश शासन का, और उसमें ऐसा लिखा था कि जो है इमीडिएट इफेक्ट से जो जिम और फिटनेस सेंटर्स हैं उनको बंद कर दिया जाए। तो हमारा कहना यह है कि किस तरह सिर्फ जिम से कोरोना फैल रहा है, सरकार की आखिर उसके पीछे क्या मंशा है, क्या नियत है, क्या नीति है, उसको सरकार हम लोगों के साथ शेयर करे, साझा करे और हमको बताए कि जिम बंद करने से क्या फ़ायदा है, या फिर हमको बुलाए बात करने के लिए सरकार। हम सभी जिम ओनर्स की अपनी एक एसोसिएशन है और भोपाल डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस एसोसिएशन भी है, सरकार हमको आमंत्रित करे और हमें बताए कि भाई आप लोग जिम में इस तरह की जो है सोशल डिस्टेंसिंग से वर्कआउट कराएं और जो है इन बातों का ख्याल रखें कि समय समय पर मशीनों को सैनिटाइज किया जा सके, टेम्परेचर हम लोग चेक करके पहले से ही एंटर कर रहे हैं जैसी गाइडलाइन है सरकार की, क्योंकि लगभग सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले हैं, लगभग सारी इंडस्ट्रीज़ ओपन हैं, फैक्ट्रीज जैसा कि आप सब पत्रकार बंधु जानते हैं फैक्ट्रीज भी सारी ओपन है, उसमें प्रोडक्शन चालू है। तो क्यों सिर्फ जिम? और मेरा कहना यह है, क्योंकि मैं इतने साल से फिटनेस में हूँ, तो मेरा कहना यह है कि जिम बंद करने से कोरोना जो है वो फैलना रुक नहीं जाएगा, बल्कि हम लोग जो जिम और फिटनेस सेंटर और वेलनेस सेंटर चलाते हैं वो लोग कोरोना रोकने में एक तरीके से समाज की सरकार की सहायता करते हैं, क्योंकि जिम जाने से किसी भी व्यक्ति की इम्यूनिटी बूस्ट होती है, क्योंकि जब कोई जिम में आता है तो हम लोग उसको प्रॉपर एक डाइट और न्यूट्रिशन का प्लान देते हैं, वो उसको फॉलो करता है, और जब से सरकार की गाइडलाइंस आई हैं तब से हम लोगों ने इम्यूनिटी बूस्टर डोज भी देना शुरू करा है, जैसा सरकार बार बार बोलती है, जैसा कि ICMR के रिकमेंडेशन है, जैसा कि WHO के रिकमेंडेशन है कि विटामिन सी खाइए, गर्म पानी पीजिए। तो ये हम लोग इस तरह से प्रोवाइड कराते हैं जिम में लगभग हर मेम्बर को कि भाई अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, आप लोग न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, ट्रेनिंग करिए, क्योंकि ट्रेनिंग करने से लंग्स के फंक्शन इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि जिम में आके एक्सरसाइज करने से हमारा ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मजबूत होता है, और WHO के अनुसार कोरोना सबसे ज़्यादा उन लोगों पर अटैक करता है जिनके लंग्स वीक होते हैं या जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम या इम्यून सिस्टम वीक होता है। कि जो जिमनेजियम्स हैं, जो फिटनेस सेंटर्स हैं, वो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो न्यूट्रिशियस डाइट देने का काम कर रहे हैं, तो किसी न किसी तरह सरकार और समाज का सहयोग कर रहे हैं कोरोना को रोकने में, ना कि कोरोना को बढ़ाने में। अब हम दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं। हमारा कहना यह है कि जब सारे बिजनेस खुले हुए हैं, जब सरकार ने शराब खानों को रात को 11 बजे तक खोलने की परमिशन दे रखी है, तब जबकि सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान मेडिकल स्टोर को छोड़ के और आवश्यक सेवाओं को छोड़ के 9 बजे बंद करना पड़ रहा है, तो क्या सरकार ये कहना चाहती है कि शराब खानों से और जो है शराब पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है और कोरोना रुकता है? अगर दुकान खुली रहेगी तो पीने वाले तो जाएंगे लेने के लिए, तो क्या सरकार जिम बंद करके, फिटनेस बंद करके शराबखोरी को बढ़ावा देना चाहती है? क्या वो लोग जो नीति निर्माता हैं, जो नीति निर्देशक हैं, वो लोग क्या उनको ऐसा लगता है कि शराब इज़ बेटर देन जिम? किसी के समझ में नहीं आई। जनता ये सवाल पूछती है, हर एक व्यक्ति हमसे भी पूछता है कि आखिर इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? हम नहीं समझ पाते। सरकार अपना पक्ष रखे इस बारे में कि उसको क्या फ़ायदा है जिम बंद करने से। हमने अपना पक्ष रख दिया। हमारा कहना यह है कि जिम अगर खुलेगा, लोग अगर आएंगे, तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, वो फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, तो कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी। आप
WHO द्वारा बताया जाता है कि छूने से कोरोना बढ़ता है, जितना छूएंगे, जब लोग जिम आते हैं छूते हैं, इससे संपर्क, जी जी जी, उससे भी संक्रमण फैल सकता है। देखिए आप सब पत्रकार बंधु हैं, जागरूक नागरिक हैं, आप सब, आपको सब जानकारी है कहाँ क्या होता है, आपको सब पता है। ऐसे करके जब दारू की बोतल एक हाथ से ऐसे एक इंसान देता है और ऐसे करके लेता है ना, और ऐसे करके चीयर्स करता है, तब कोरोना नहीं फैलता। बसों में आप जा, सरकारी बसें चल रही हैं, खचाखच यात्री भरे हैं, चौक बाजार, न्यू मार्केट और मॉल, क्या वहाँ पर सच में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है? क्या सरकार इम्पोज कर पा रही है, क्या लागू कर पा रही है? आप लोग बताइए, क्या 100% लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं? हम मानते हैं कि जिमों में वो चीज़ है, लेकिन हमने पहले भी वीडियो जारी करके ये दिखाया, और हर एक घंटे में हम अपनी मशीनों को सैनिटाइज करते हैं। हमारे पास हाउसकीपिंग के 12 लोगों का स्टाफ है। जैसे ही कोई बंदा कोई इक्विपमेंट्स, डंबल, प्लेट, रॉड या ट्रेडमिल यूज करने के बाद वहाँ से हटता है, हम लोग तुरंत उसको सैनिटाइज करते हैं ताकि दूसरा बंदा उसके बाद ही यूज करे। बिल्कुल, मैं आपकी बात मानता हूँ। आपका कहना यह है कि हो सकता है हमारे पास स्पेस ज़्यादा हो, हमारे पास स्टाफ ज़्यादा हो, हमारे पास इक्विपमेंट ज़्यादा हो, और मेरा कहना यह है कि जब सारे के सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले हैं, जिम सबसे आखिरी में खोला गया, पिछले लॉकडाउन में 5 से 6 महीने जिम बंद रहा, लोगों ने लोन लेके रेंटेड स्पेस पे जिम खोला, 6 महीने 8 महीने EMI ले गए और उसके साथ एक साथ सरकार ने वसूल ली। छोटे से छोटे जिम का भी 8-10 लोगों का स्टाफ रहता है, उन सब की फैमिलीज़ के अपने खर्चे रहते हैं, उनकी अपनी जो है EMIs रहती हैं, उसके लिए सरकार के क्या प्लान? हम तो ठीक है, हम जिम बंद कर देंगे क्योंकि सरकार का आदेश है, सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, तो हम जिम बंद कर देंगे। लेकिन सरकार की इसको लेके बैकअप प्लान क्या है? व्हाट अबाउट आवर फैमिलीज, व्हाट अबाउट आवर एक्सपेंसेस, व्हाट अबाउट आवर स्पेस? सरकार उसके बारे में भी हमको जानकारी दे कि हम इस तरह से आपकी मदद करेंगे। करें हमारी मदद, क्या मदद करी सरकार ने? पिछले लॉकडाउन में एवरेज बिल भेजा हम लोगों को, जब जिम बंद था, एक भी दिन जिम नहीं खुला, तब एवरेज बिल हमारे जिम का आया, ये मदद करी सरकार ने। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को, हम सभी जिम ऑनर्स को एक सर्टन अमाउंट बता दिया जाए कि आप लोग 50% स्ट्रेंथ से, जैसे हमारे जिम में इतनी कैपेसिटी है कि एक टाइम में 250 लोग वर्कआउट कर सकते हैं, इसी तरह किसी के जिम में ऐसी कैपेसिटी होगी कि 100 लोग कर सकें, तो उनको 50 लोग, मतलब जितनी कैपेसिटी होती है एक जिम की, उसके 50% स्ट्रेंथ से सरकार हमको अलाउ कर दे कि आप लोग सर्टन स्लॉट में सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक, जब तक लॉकडाउन नहीं लग जाता, एक स्लॉट बना दें कि 20-20 लोग करके एक्सरसाइज करें, 30-30 लोग करके। तो इस तरह वो जो फिटनेस फ्रीक्स हैं, वो जिम में आके जो लोग फिट रहना चाहते हैं, उनका भी नुकसान नहीं होगा, जिम ऑनर्स का नुकसान भी नहीं होगा, और उनका काम भी चलता रहेगा जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं। एक जो बात है, एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है, वो मैं आप लोगों के माध्यम से ये पहुंचाना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं उन लोगों को कि जितने लोग हमारे देश में कोरोना से रोज मरते हैं, उससे 100 गुना ज़्यादा लोग हमारे देश में रोज हार्ट अटैक से मरते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, आप गूगल पर सर्च करिए, इंडियन कमेटी फॉर मेडिकल रिकमेंडेशंस, उनकी रिसर्च को देखिए, WHO की रिसर्च को देखिए। हम उस देश में रहते हैं जहां 90% बच्चे कुपोषित हैं, हम उस देश में रहते हैं जहां 70%, इंडिया इज बिकमिंग वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल, आप सब लोग जानते हैं ये बात। डायबिटीज से लड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और वो एक्सरसाइज है। किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, उसके पास कोई इलाज नहीं शुगर का, वो यही बोलेगा वॉक करो, जिम जाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, अच्छा डाइट शेड्यूल फॉलो करो। हाइपरटेंशन का दुनिया में कोई इलाज नहीं है, तो क्या सरकार इस बारे में नहीं सोच रही? इससे कोरोना से 100 गुना ज्यादा लोग हमारे देश में रोज हार्ट अटैक से मरते हैं, और हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज और शुगर से बचने का तरीका क्या है? सिर्फ एक, हेल्दी लाइफस्टाइल। उसका कोई इलाज तो नहीं ना, डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, या तो आप रोज इंसुलिन लेते हो, डिपेंडेंसी हो जाती है, या फिर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो तो कंट्रोल में रहती है। फिर सरकार उन 100% लोगों के बारे में क्यों नहीं सोच रही कि भाई ये लोग जिम जाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे? एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बड़ी पुरानी बात है, लास्ट तो जिम इक्विपमेंट्स और सप्लीमेंट्स पे 28% GST था, दैट वाज हाईएस्ट। उस देश में जहाँ सरकार खुद कह रही है कि हमारा देश जो है, हमारे देश के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा कुपोषण से मर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, तो वहाँ तो भाई जीरो होना चाहिए वेट,
सरकार को सब्सिडी देना चाहिए उस चीज़ पे कि भाई ये 500 रुपए का सप्लीमेंट है तो ये इस पर 200 रुपए सब्सिडी है, इसको 500 पे 18% GST लगा, 600 बना दिया सरकार ने, जिम इक्विपमेंट पे 28%, ये तो फ्री होना चाहिए ना सर। 18% अभी सर्विस टैक्स देना पड़ता है जिम वालों को GST के साथ साथ, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग रोज़ हार्ट अटैक से मरते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर पेशेंट हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग कुपोषण का शिकार है, तो वहाँ पे न्यूट्रिशन और जिम फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि यही एक इलाज है सरकार के या फिर ICMR के पास कोई इलाज नहीं है शुगर का और हार्ट का। कुछ चीज़ों को बैन किया है, वो सारी चीज़ें ऐसी बैन की है जिससे कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। स्विमिंग करने से पूरा जिस्म को आराम मिलता है, एक्सरसाइज से और इम्यूनिटी बढ़ती है, और जिम में आने से तो सभी को मालूम है यहाँ पर विटामिन सी ABC सब दिया जाता है जिमों में, और एक्सरसाइज से फिटनेस आती है, फिटनेस आएगी तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आपने इम्यूनिटी बढ़ाने के एक्सरसाइजेस के जो मामले हैं उनको तो आपने पैक कर दिया है, और शराब की दुकान 11:30 बजे भोपाल लॉकडाउन के लिए संडे 10 बजे, तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिस तरह बहाल रखी हैं आपने, तो ये जिम हुआ, स्विमिंग हुआ, ये उसी श्रेणी में आती है जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। इससे हमें आप मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अविलंब ऐसे आदेश पारित करें जिससे कि जो छोटे छोटे जिम लिए बैठे हुए और स्विमिंग पूल है उनको लाभ पहुँच सके। आज अगर हम इनको बंद कर देंगे तो यकीनन इनका नुकसान हो जाएगा। इससे कहीं ना कहीं संक्रमण जो छूने से बढ़ता है, बात हो जिम की, जिम में इक्विपमेंट जो छूने से बढ़ सकता है, पानी में कोई संक्रमित व्यक्ति उतरता है, स्विमिंग पूल द्वारा भी लोगों में संक्रमण फैल सकता है। नहीं, शहर में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, मेले चल रहे हैं, टॉकीज खुले हुए, इनसे संक्रमण नहीं फैलेगा। अब गुंजन कार्यक्रम हुआ आज, 20 टीचर्स उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनसे नहीं बढ़ेगा क्या? तो मेरा ऐसा मानना है, माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री है, और स्वास्थ्य मंत्री जी से, स्थानीय मंत्री हमारे विश्वास सारंग जी, उनसे गुजारिश करूँगा कि भाई जिमों को अगर आप 100% नहीं खोल सकते तो 50% सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 50% जिमों को खोलने के आदेश पारित करें, और स्विमिंग पूल में भी 50% लोगों को अलाउ करें, जिससे कि ये जो आजीविकाएँ जो चल रही हैं, बेरोजगार 3 महीने बैठे रहे जिम वाले, आज तैयारी करके फिर बाजार में आए, फिर एक आदेश आता है कि जिम बंद करे जाए, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश करूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि अविलंब ऐसे आदेशों में कटौती करें और संशोधन करके दोबारा आदेश पारित करें, जिससे कि इनकी जीविकाएँ, एक एक जिम में 50-50, 100-100 लोग आते हैं, तो यकीनन घर परिवार चल रहे हैं लोगों के, तो तत्काल संशोधित आदेश पारित करें जिससे कि इन लोगों को लाभ पहुँचे।